हेलो एवरीवन, मेरा नाम जॉन परेरा है और मैं इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस का ट्रेनर हूँ। आज का जो टॉपिक आप लोग सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल वायर्स। ऑब्जेक्टिव्स: वायर और केबल का डेफिनेशन क्या है और कितने प्रकार के वायर्स और केबल्स हैं। वायर एंड केबल। वायर एक लंबा पतला मेटल का पीस है। जब दो वायर से ज्यादा वायर को मरोड़ते हैं एक सिंगल केस बनने के लिए या असेंबली बनने के लिए, उसे केबल कहते हैं। यूज ऑफ वायर एंड केबल। पहले जानकारी लेते हैं, वायर और केबल इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए हम वापरते हैं। वायर कहाँ पे यूज होते हैं? डोमेस्टिक वायरिंग में, स्मॉल इंडस्ट्री वायरिंग में और अप्लायंसेस में। केबल कहाँ पे यूज होते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड बिग इंडस्ट्रीज में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। यहाँ पे आप जानकारी लेंगे कि कितने प्रकार के वायर्स हैं: VIR, CTS एंड TRS, WP, LC, MICC एंड PVC। VIR वायर के बारे में हम जानकारी लेंगे। फुल फॉर्म है वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर वायर। ये सर्विस वायर जैसा यूज करते हैं हम लोग घर के अंदर सिंगल फेज और थ्री फेज कनेक्शन के लिए। ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर का बनाया जाता है और रबर कोटिंग यूज करते हैं इसके ऊपर। सिंगल एंड डबल ब्रेडेड वायर के तौर से मोस्टली मिलता है ये। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये वायर में, उसका केमिकल रिएक्शन होता है और उसका इंसुलेशन जो है वो बहुत खराब है, बुरा है, इसलिए आज की तारीख में उसे यूज नहीं करते। लो एंड मीडियम वोल्टेज का सप्लाई के लिए ज्यादा करके ये सूटेबल है। ये जूना टाइप है और आज की तारीख में यूज नहीं करते, इसलिए वो मार्केट में भी नहीं मिलते। CTS कैप टायर शीट वायर एंड TRS टफ रबर शीट वायर के बारे में हम जानकारी अभी लेंगे। ये हाउस वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग में यूज करते हैं ये वायर को। ये कॉपर वायर का बनाया जाता है और उसका इंसुलेशन जो है वो हार्ड और अच्छा रबर कोटिंग का बनाया जाता है। ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं और ये वायर 250 वोल्ट और 440 वोल्ट का स्पेसिफिकेशन में मिलते हैं। ये भी जूना टाइप वायर है और आज की तारीख में यूज नहीं होते। WP वेदर प्रूफ वायर। ये वायर ज्यादा करके आउटडोर वायरिंग में काम में आते हैं। और कहां पे ये यूज करते हैं? ओवरहेड लाइंस में बिल्डिंग तक लाने के लिए। इसमें वेदर का कोई रिएक्शन नहीं होते। इसका कंडक्टर जो है वो टिंटेड नहीं है। इसमें आग लग सकते हैं, इसलिए ज्यादा करके ये वायर को हम इस्तेमाल नहीं करते। समरी: अब यहाँ पे आपने जान लिया है कितने प्रकार के वायर्स है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।